मेला ग्राउंड पर वरहत स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम नगर पालिका परिषद ने रखा है। वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि मियांवादी पद्धति से 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर के साथ जिले के तमाम अधिकारीगण सहित आमजन भी मौजूद थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये मियांवादी पद्धति से आज पौधारोपण किया जा रहा है, कितना कारगर साबित होगा और उसकी क्या टेक्निक सर है? देखिए, जापानीज़ तकनीक है मियांवाकी तकनीक। इसमें हमारे यहाँ पर खरगोन ज़िले में ही जो है NVDA कॉलोनी में एक प्लांटेशन हुआ था 5 मीटर बाय 20 मीटर का, और जिसकी ग्रोथ देखने लायक है, जिससे बड़ा स्पष्ट होता है कि इसके प्रभाव जो है बहुत अच्छे हैं। इस तकनीक में हमने इसकी जो है पूरी ज़मीन की खुदाई की है और उसके बाद एक जीवन अमृत घोल से ट्रीटमेंट करने के बाद प्लांटेशन को लगा रहे हैं। विशेष बात यह है कि 1 स्क्वायर मीटर में 3 प्लांट लगते हैं, मतलब बहुत छोटे से एरिया में ज़्यादा प्लांट लगते हैं और आपस में सहधर्मिता के आधार पर सारे प्लांट जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं। मतलब आप मान के चलें कि तकरीबन 1 साल में 3 साल और 3 साल में तकरीबन 10 साल का ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो कितना कारगर सर साबित होगा? 100% कारगर साबित होगा, पूरी उम्मीद है कि जो हम अभी प्लांटेशन कर रहे हैं वो मुझे लगता है आने वाले 2 साल में ही यहाँ पर पूरा एक जंगल निर्मित हो जाएगा। तो जिले में भी इसी पद्धति से सर लगाया जाए? जिले में इसके अलावा कई जगह जैसे जो बेड़ियाओं में है, इसके अलावा गोगावा में है और कुछ कुछ जगह स्पॉट चयनित किए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पर इस तकनीक से प्लांटेशन कर रहे हैं। 30,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, कितना कारगर सर साबित होगा ये? अभी हमने NVDA के गैस जो इनका कॉलोनी है इसमें लगभग 9 महीने पहले मियांवाकी पद्धति से पौधे लगाए थे 1,000 स्क्वायर फीट में। 1,000 स्क्वायर फीट में था, मतलब 100 स्क्वायर मीटर, और उसमें लगभग 700 से 800 पौधे लगे, वो आज 3 साल के पौधों के बराबर हो गए। उसको देखकर, उस एक्सपेरिमेंट की सफलता को देखकर ये मियांवाकी पद्धति से यहाँ पौधरोपण स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें लगभग 1 स्क्वायर मीटर में 3 से 4 पौधे छोटे, मिडिल साइज और बड़ी साइज, इस टाइप की एक सिस्टम है उस में लगाए जाते हैं और ये 3 गुना स्पीड से बढ़ते हैं, यानी 1 साल का पौधा 3 साल जैसा बड़ा हो जाएगा। इस पद्धति में हम गाय का मूत्र और गाय का गोबर उपयोग किया गया है, गुड़ का उपयोग किया गया है, और इस पर थोड़ा सा सावधानी बरते तो हमारे 100% पौधे सर्वाइव कर लें। जिले में सर पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो क्या इसी पद्धति सर लगाए जाने लगे? नहीं, ये पद्धति थोड़ी सी महंगी है, इसमें 1 मीटर अंदर खोदना पड़ता है, उसके बाद उसके मूत्र और गोड़ वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा महंगा है, इसलिए सभी जगह तो ये पद्धति उपयोग नहीं की जा रही, लेकिन धीरे धीरे करके इस पद्धति से अधिक मात्रा में पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें LNT भी सामने आया। LNT भी 30,00,000 रुपये खर्च करके मियांवाकी से पौधे लगा। अभी कितने पौधे लगाए जा रहे हैं सर? अभी इस समय हमारा मकसद तो है 25,000 पौधे का, लेकिन अब जमीन भूमि की देखनी पड़ेगी, कितनी भूमि है अवेलेबल, कितने पौधे 25,000 पौधे अभी यहाँ लगने हैं। तो माना जाए कि सर 5 साल में जो जंगल बनता है वो 2 साल में तैयार हो जाएगा? 5 साल में जो जंगल बनता है वो 2 साल में तैयार हो जाएगी, और यहाँ 25,000 पौधे तो लग जाएंगे, और जमीन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे पौधे बढ़ाते जाएंगे।